आज हमने जाड़ोल उपखंड मुख्यालय पर पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ में तृणमूल कांग्रेस के शेख शाहजहां जो वहां का उनका विधायक है उसके द्वारा वहां पे कम से कम 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर आदिवासियों की जमीनें छीन ली है। वहां की जो बहन बेटियां होती है उनको वो आता है कहता है तुम्हारे घर में बहन बेटी बहुत सुंदर है, तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है, इसको मुझे दे दो। इस प्रकार से खूब सारी बहनों के साथ में रेप किया गया है, उत्पीड़न किया गया है। वहां की बंगाल की बहनें रो रो के वीडियो बना रही है, टीवी के अंदर डिबेट हो रही है। उसके बाद में भी इस देश की सेकुलर पार्टियां और कोई भी सेकुलर संगठन और कोई भी हो जो आदिवासियों दलितों पिछड़ों के नाम पे रोज चिल्लाने वाले रोटियां सेकने वाले एक भी नहीं बोल रहा है। वहां पे बहुत बुरी हालत है। उसके बाद में सोशल मीडिया में चला, टीवी में चला, उसके बाद में भारत का एनसीएसटी आयोग वहां पे गया, उसने केंद्र में जाके रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में बिल्कुल ही ये आया है कि वहां पे बहनों के साथ में आदिवासियों दलितों पिछड़ों के साथ हिंदुओं के साथ में वहां जबरदस्त अत्याचार हो रहा है, वहां उनकी जमीनें जबरदस्त छीन ली गई है। इसलिए हम राज्यपाल महोदय से मांग कर रहे हैं कि वहां पे जिन जिन ने अपराध किया है अपने हमारे लोगों के साथ में उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको फांसी दी जाए और बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, ये हमारी मांग है।